या कहीं भी जीवन में जाओ तो अपने सुतियों को कर कर तुम्हारे नाम बदल से उस गांव का नाम बढ़ेगा और उस गांव के तुम हो तो तुम्हारा भी फर्ज होता है कि हम झारखंड के राजधानी सुतियांबे वहां के हम आए उसकी शान को कैसे बढ़ाए। इसलिए ध्यान लगा के पढ़ना भी है और बहुत सी कंट्रीब्यूशन है न जाने कौन। जब सरकारी स्कूल में व्यवस्था कर मन लगा कर पढ़े और शिक्षक का जिस तरह से अभी हम देखे इस स्कूल में कई दिनों से मैं जान रहा हूँ कड़ी मेहनत करते हैं शिक्षक। उसको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेवा दे रहे हैं। इस भाव से यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएँ बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। हम यहाँ केवल बच्चों से मिलने ही नहीं बल्कि इनको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देने आए हैं ऐसे गुरुजनों को कि इनकी कड़ी मेहनत से आज सरकारी स्कूल से लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल है आकर देखे प्रखंड के दूसरे शहर के लोग या और कहीं कि गांव में भी जो विद्यालय है सरकारी विद्यालय है शिक्षक अपनी मेहनत से उनकी योग्यता को कैसे बढ़ा रहे हैं। और खुशी हुई पिराढ़ा जैसे जंगल सुतियांबे जैसा गाँव इधर कई ऐसे छोटे छोटे बस्ती वहाँ से लोग आए हैं कौन की पहाड़ के नीचे बसा हुआ गांव उसे विशेष से लाकर और अच्छे नंबर से पास हुए हैं ये देखकर हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। इनको हम विश्वास दिलाए हैं कि निश्चित तौर पर जो आपकी जो समस्या है इधर स्कूल की आने पर देखे शौचालय की हो या कुछ यहाँ खेल मैदान बनाने का जो व्यवस्था हो या इसको प्लस टू बनाने का सबसे बड़ी मुद्दा है ये। निश्चित तौर पर हमने इनसे कहा है किसी सप्ताह में शिक्षा मंत्री से मिलूँगा और निश्चित तौर पर मेहनत करके उनसे कहूँगा कि प्लस टू का हमारा जो है यहाँ मान्यता दिए अन्यथा विधानसभा में इस बात को मैं बहुत ज़ोरदार तरीके से रखूँगा और जिसकी आवाज़ पूरे झारखंड में जाएगी और सरकार को इस काम के लिए मैं निश्चित तौर पर तैयार कर लूँगा। इसी के लिए मैं यहाँ आया।